देखो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति चाहने वाला पहले तो चाहने वाला होना चाहिए। क्या आप सचमुच ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं? खाने पीने का ज्ञान, कपड़ा पहनने का ज्ञान, खाट मकान का ज्ञान, स्त्री पुरुष का ज्ञान, ये सब ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं कि ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं? पहले आप अपने को टटोलिए। अच्छा, ब्रह्म माने कौन सा जानवर? किस जानवर का नाम ब्रह्म है? ऐसा है ब्रह्म कि जिसके न माँ है, न बाप है, न दादा न दादी, न नाना न नानी, न भाई न बंधु, न बेटा न बेटी, न धन न परिवार, न शकल न सूरत। क्या सचमुच आप ऐसे ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं? आप किस लिए ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं? आपको क्या ख्याल है कि ब्रह्म के मिलने पर आपको क्या मिल जाएगा? एक हमारे मित्र थे, बहुत वर्षों की बात है, अभी हैं तो भी जिंदा, 50 वर्ष से लगभग तो हो गया, पर हैं अभी जिंदा। वो एक दिन महात्मा हम लोगों पर बहुत खुश हुए, 5-4 थे, उन्होंने पूछा, अच्छा जिसको जो मांगना हो तो मांग लो। किसी ने कुछ मांगा तो हमारा जो मित्र है अभी, उसने मांगा कि हमको बिना किसी शर्त के किसी समय भगवान का दर्शन हो जाए। रात का समय था, चांदन रात, गंगा जी का किनारा, आनंद ही आनंद था, शांति ही शांति थी। महात्मा ने हम लोगों से कहा कि भाई देखो, ये तो बिना किसी शर्त के भगवान का दर्शन चाहता है, और हम लोग भगवान से प्रार्थना करें कि इसको दर्शन दे। अब हम लोगों ने प्रार्थना शुरू की, असतो मा सत गमय। थोड़ी देर में आंखों में आंसू आ गए, शरीर में रोमांच हो गया, व्याकुल हो गए। ईश्वर के लिए अगर आदमी प्रार्थना झूठ मूठ भी शुरू करे तो बाद में वो असली हो जाते, इसलिए शर्माना नहीं चाहिए, शुरू करना चाहिए। महात्मा जी ने कहा कि भाई भगवान तो आ गए हैं दर्शन देने को, बिना किसी शर्त के दर्शन देने को तैयार है, परंतु कहते ये हैं कि इसने तो कोई साधना, कोई पुण्य, कोई योग, कोई भक्ति की नहीं है, इसको हम जब दर्शन देंगे तो इसके सब पुण्य धर्म साधना योगाभ्यास का फल एकाएक मिल जाएगा, तुरंत क्षय हो जाएगा, उसके बाद ये कोढ़ी हो जाएगा, उसके बाद पनाले में पड़ा रहेगा, उसके बाद इसके ऊपर लोग थूकेंगे। परमात्मा के दर्शन के पहले की कोई शर्त नहीं है। अरे वो जो हमारा मित्र था, उसके पांव पहले तो बधे हुए थे, वो भी आसन में, आसन छूट गया, हाथ पांव बिखर गए। बोला नहीं नहीं अभी ठहरिए। कह रहे तो क्या चाहता क्या है? हम चाहते हैं कि हमको परमात्मा का दर्शन हो जाए तो श्री उड़िया बाबा जी महाराज की तरह लोग हमारी पूजा करें, सत्संग करें, हमारे पीछे पीछे घूमें, हम स्वस्थ हों, सुंदर हों। अब देखो, आप अपने देह को बड़ा बनाने के लिए परमात्मा का ध्यान चाहते हो कि सचमुच परमात्मा को चाहते हैं?
तोड़ लो जिसमें सकल सूरत नहीं है, निराकार है, जिसमें कोई उदारता सुशीलता आदि गुण भी नहीं है, जिसका स्वभाव बड़ा कठोर है, जिसके मिलने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, आपका मैं मर जाएगा, उस परमात्मा को आप पाना चाहते हैं, उसका ब्रह्म ज्ञान आप चाहते हैं, ये भगवान किसी चीज को चाहिए तो समझ बूझ के चाहिए कि वो है क्या। अपने वैराग्य को तौल लीजिए, अपने विवेक को तौल लीजिए, आप दूसरी बात, पहले तो अपनी तौल दो, दूसरी बात आप अपने अंतःकरण को देखिए कि क्या वो विकारों से जुड़ करके खुश होता है। आपके मन में गुड़ खाने की इच्छा हो और गुड़ मिल गया तो आप बहुत खुश हुए, और नहीं मिला तो व्याकुल हुए। तो यदि वासना की पूर्ति होने पर आप खुश होते हैं, वासना की निवृत्ति हो जाने से खुश नहीं होते हैं, तो अभी आप ब्रह्म ज्ञान की ओर चलने के अधिकारी नहीं है। आपका किसी से राग है, उसने आपको बहुत सुख दिया है, देता है, हंसे है, किसी से आपको बहुत द्वेष है, दुख है, किसी बात का आपको अभिमान है, हमारे पास इतनी विद्या है, इतनी बुद्धि है, शरीर की मौत से आप डरते हैं, क्या आप सचमुच संसार से छूट जाना चाहते हैं? दृश्य मात्र से छूट जाने की इच्छा है आपके मन? हाँ भाई, तो अब आप पूछिए कि ब्रह्म ज्ञान ज्ञान से मिल जाता है क्या? आप ब्रह्म ज्ञान के लिए यदि यज्ञों को भी धारी हैं तो संगा बंदन करते हैं कि नहीं, गायत्री जप करते हैं कि नहीं, सत्य अहिंसा अस्तेय का पालन करते हैं कि नहीं, क्रोध के निमित्त आने पर भी शांति रहती है कि नहीं, इंद्रियों के विक्षेप के निमित्त आने पर भी शांति रहती है कि नहीं, बहुत फैक्ट्री पर फैक्ट्री, काम पर काम बढ़ाते जाने की इच्छा तो नहीं है? कोई दुख खाता है तो आप क्या करते हैं? हम तो बच्चों से पूछते हैं, तो तुमको कोई मारता है तो क्या करते हैं? तुम भी मारते हो उसको, ये रोने लगते हो, ये अपनी माँ के पास भाग के आते हो, कोई बच्चा तुमको मारता है तो क्या करते हैं? आप बताओ, आपके जीवन में कोई दुख आता है तो क्या करते हैं? सोचो, किसी से पूछने की तो जरूरत नहीं, उससे लड़ने को तैयार होते हो कि दुखी हो जाते हो कि वहां से हट जाते हो कि ईश्वर की शरण में आते हो कि मन उधर से मोड़ लेते हो? अरे ये तो मिथ्या है। क्या करते हो? आपके जीवन में कोई दुख आता है तो क्या करते हो? पूछने की जरूरत है? अच्छा, अभी इस बात को छोड़ो, आप ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए यज्ञ करना चाहते हैं तो ब्रह्म ज्ञान करने के लिए किसी देवता से उपासना करना चाहते हैं तो दे जाएगा? हाँ, तो जब इन सब बातों से आपको वैराग्य हो जाए और इनका आप त्याग करने के लिए तैयार हो तो केवल ज्ञान से ही ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। घट का ज्ञान, पट का ज्ञान, मठ का ज्ञान, इसमें घट पट मठ को छोड़िए, ज्ञान तो स्वयं ब्रह्म ही रहेगा, ज्ञान तो कभी अब्रह्म होता ही नहीं है। व्यवहार में भी ज्ञान अब्रह्म नहीं है, ब्रह्म ही है, लेकिन आप घड़े को दबाए फिरते हैं तो ब्रह्म उसमें
ज्ञान की ब्रह्म रूपता स्थिति रहती है। आप एक बार के बार घाट बाट मठ को छोड़कर ज्ञान को देखिए और तो साक्षात ब्रह्म ही है। हम जानते हैं जिसने प्रश्न किया होगा वो तो ऐसे ही अपना शौक पूरा करने के लिए किया होगा, लेकिन ब्रह्म ज्ञान आप अगर कुछ दूसरा नहीं चाहते हैं, ज्ञान के सिवाय दूसरी कोई चीज नहीं चाहते, न स्वर्ग न वैकुंठ न समाधि न जाना न आना न प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर का दर्शन, यदि आप ज्ञान के सिवाय कुछ भी दूसरा नहीं चाहते हैं तो आप स्वयं ज्ञान हैं, ज्ञान आपको प्राप्त होगा।